सो हेलो एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने अभी HDFC का न्यू ATM कार्ड लिया है तो सबसे पहले आपको उसमें आपका ATM पिन सेट करना होता है, तो उसी का प्रोसीजर इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपको अपना कार्ड इंसर्ट करना होगा। कार्ड इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे, तो उन ऑप्शंस में से सबसे पहले आपको यहाँ पर जो अदर ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे जो दिख रहा है बटन, वहाँ पे क्लिक करना है। अदर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद सेट योर पिन पे क्लिक करना है। सेट योर पिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो आपके मोबाइल नंबर पे जो पिन आया होगा वो यहाँ पे सिंपली टाइप करना है और कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपके बैंक अकाउंट से जुड़े आपको वो टाइप करना है और उसे कन्फर्म प्रेस करना है। कन्फर्म प्रेस करने के बाद आपको इंटर योर न्यू 4-डिजिट ATM पिन, तो जो भी आप अपना न्यू ATM का एक पासवर्ड रखना चाहते हैं आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है और इसी के बाद में आपने जो अभी पासवर्ड सेट किया है वही आपका ATM में पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो ये एक रिसीट मिलती है जब आप आपका पासवर्ड कन्फर्म करते हो। तो उसके बाद आप जब भी आपके ATM कार्ड से कैश विड्रॉ करेंगे तो आपको यही पासवर्ड यूज़ करना होगा। तो यही एक प्रोसीजर था जिसके थ्रू आप आपका ATM कार्ड का पासवर्ड सेट कर सकते हो HDFC ATM कार्ड के लिए। सो थैंक यू।